बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को पत्र लिखा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक 18 जुलाई को होगी। इस बैठक में चिराग पासवान भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा के इस पत्र के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहकर और गठबंधन से बाहर रहकर भी बीजेपी का सहयोग करते रहे हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार को खेल को बिगाड़ दिया था। वहीं चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद महागठबंधन की चिंता बढ़ जाएगी। इन दिनों बिहार में चिराग पासवान को अपार समर्थन मिल रहा है। बिहार के लगभग 56% वोटर्स 18 से 40 साल के बीच के आयु समूह के हैं। चिराग पासवान बिहार के ही नहीं देश में उभरते हुए एक युवा नेता हैं। बिहार में इनकी लोकप्रियता काफी है। चिराग पासवान की पार्टी की पकड़ सभी जातियों में है। चिराग को सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि ये भी कहा गया कि वो ये सब बीजेपी के इशारे पर कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि करीब 6% वोट पाकर खुद की पार्टी को तो नहीं जीत दिला पाए, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वो सफल रहे। जेडीयू 43 सीट पर ही जीत सकी। चिराग के इस खेल से नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था। 2024 और 2025 चुनाव में बीजेपी चिराग को पिछली बार से ज्यादा सीटें दे सकती हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से डैमेज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी एक बार फिर चिराग पासवान पर भरोसा करेगी। बिहार की राजनीति को चिराग पासवान अच्छे से समझते हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं, एक सीटों पर जीत की समीकरण तैयार कर रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी का के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का पत्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे प्राप्त हुआ है। 18 तारीख को होने वाली एनडीए बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। बहरहाल, आज अभी पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा होगी। 18 तारीख वाली बैठक में जाने नहीं जाने को लेकर बैठक में ही ये फैसला पार्टी के द्वारा किया। चिराग के समीकरण से बीजेपी को काफी लाभ मिलेगा। चुनावी मैदान में महागठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जो महागठबंधन को मात दे सके। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को एक बार पटकनी दे चुके हैं। इस बार भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।